इंडिया में आबादी है या इंडोनेशिया मलेशिया में मुसलमान का बहुत आबादी है। इंडोनेशिया मलेशिया में इतना इतना बड़ा जमात नहीं होता है, ये सब या मदीना ही मिलता है या मक्का ही मिलता है, और बाकी इतना बड़ा जमात कहीं नहीं मिलता है कि बांग्लादेश में इतना बड़ा इज्तिमा होता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। हमरा इंडिया पश्चिमबंग থেকে এসেছি, আমরা এসেছি তাবলিগ জামাতে। আল্লাহ রাসূল মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দিন প্রচার করে চারিদিকে তাহিক থেকে শুরু করে সমস্ত সারা পৃথিবীতে যে দিনের প্রচার প্রসার করেছিলেন, সেই প্রচার প্রসারের জন্য তিনি কত জায়গায় মার খেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, দণ্ডবাক শহীদ করেছেন, সেই দিন মিটতে চলেছে। সেই দিন যাতে মিটে না যায় তার জন্য এই বড় বড় ইজতেমা তাবলিগ জামাত, সেই তাবলিগ জামাতের ইজতেমাকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে এসেছি দিন শিখতে, দিন যাতে আমাদের মধ্যে এসে যায়, সেই জন্য আমরা এই দিনের কাজ করার জন্য সেই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি, একত্রিত হয়েছি। এখানে পরিষেবা খুব সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ, বিদেশি ফরেনারদের জন্য খুব সুব্যবস্থা, এবং টয়লেট থেকে শুরু করে গোসলখানা থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু ইন্তজাম খুব সুন্দরভাবে এনারা আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। मैं आया हूँ इस तमाम में अल्लाह को राजी करने के लिए आया हूँ कि अल्लाह हमसे कैसे राजी हो जाए, और मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के लोग आए हैं कि अल्लाह हमसे कैसे राजी हो। हम जब इस तमाम में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। बांग्लादेश के साथियों ने बहुत साथ दिया, हर एतबार से खिलाया पिलाया और हमें रहने के लिए जगह दी, और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और बांग्लादेश की हुकूमत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरी दुनिया से आने वाले मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबी दे इस मुल्क को और यहाँ के रहने वालों को भी अमन अमान अता फरमाए। और हम इस मीडिया के तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग जब वक्त मिले तो एक मरतबा अपनी ज़िंदगी से निकाल के एक मरतबा बांग्लादेश इस समय ज़रूर आए और यहाँ देखे यहाँ क्या होता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, सऊदी अरबिया, कुवैत, दुबई, चाइना, इमारात, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और दीन को सीख के यहाँ से जाते हैं। यहाँ से अच्छा अच्छा बात लेने के लिए आए हैं, और यहाँ से समझ लिए कुछ सीखने के लिए आए कि इतना इतना बड़ा मजमा है तो सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर मजमा का सिखाता है, मैंने कोई दीन का बात सिखाता है तो इंसानियत सिखलाता है। मतलब है ना कि इतना बड़ा मजमा नहीं मिलता है, इतना तो भीड़ भाड़ है, इतना बड़ा मजमा नहीं मिलता है कहीं पर ही। माने इंडिया में आबादी है या इंडोनेशिया मलेशिया में मुसलमान का बहुत आबादी है, माने इंडोनेशिया मलेशिया में इतना इतना बड़ा जमात नहीं होता है। यहाँ तो कदर कल जुम्मा का नमाज पढ़े, एकदम जगह नहीं था नमाज पढ़ने का, तो ये सब कहीं पर नहीं मिलता है। ये सब या मदीना ही मिलता है या मक्का ही मिलता है, और बाकी इतना बड़ा जमात कहीं नहीं मिलता है। ये तो मैंने बहुत खुशी का बात है कि ये अल्लाह तला एक तो बांग्लादेश के ऊपर एक तो नियामत है अल्लाह का कि বাংলাদেশ में इतना बड़ा इस्तेमा होता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত আগামীকাল হবে, তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে 10:30 থেকে 11টা এই সময়ের মধ্যে আখেরি মোনাজাত সম্পন্ন হবে। তো আখেরি মোনাজাতের পরে যে আমাদের ট্রাফিক যে ব্যবস্থাপনা, এটা আগের যে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাটা ছিল প্রায় হুবহু একই আছে, অর্থাৎ আমরা যে ডাইভারশনগুলো দেই এই ডাইভারশনগুলো বলবৎ থাকবে। এই ডাইভারশন হলো বগুড়া বাইপাস থেকে এদিকে আমরা ঢুকতে দেব না, বগুড়া বাইপাস থেকে সেটা বাইপাস হয়ে চলে যাবে ওদিকে মিরের বাজারের দিকে। মিরের বাজার অংশ থেকে যে গাড়িগুলো স্টেশন রোডে আসে এই জায়গা আমাদের বন্ধ থাকবে, এদিকে গাড়ি আসতে পারবে না, বন্ধ থাকবে, পায়ে হেঁটে আসতে পারবে। এছাড়া যে উত্তরা থেকে যেগুলো আশুলিয়া রোডে আসে, দিয়াবাড়ি থেকে সরি সেখানে আপনার দৌড় ব্রিজ থেকে তাদেরকে ডাইভার্ট করে মিরপুর বেড়িবাজার দিকে দিয়ে দেওয়া হবে। ঢাকা অংশে যেটা কুরিল বিশ্ব রোডে এখানে একটা ডাইভার্সন আছে যেটা 300 ফুটের ডাইভার্সন হয়, এই ডাইভার্সনগুলো চালু থাকবে। বাট আমাদের পরবর্তীতে ইয়ে শেষ হওয়ার আখেরি মোনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যত দ্রুত সম্ভব গাড়িগুলোকে আমরা আবার এই বিআরটি রোড এবং মেইন রোডে চালু করার ব্যবস্থা করব, যাতে যাত্রী সাধারণ দ্রুততম সময়ের ভিতরে তারা গাড়ি পেয়ে যায় এবং গাড়িতে দূর দূরান্ত যেতে পারে। যারা আগত মুসল্লি আছে তারাও যাতে তাদের বেডিংপত্র নিয়ে দ্রুত তারা যেতে পারে।